अगर हमें सेक्स सीन देना होता है तो वो पूरी तरह से एक्टिंग होता है, एक्सप्रेशंस होता है, दैट्स इट। इसके परे जाकर सोचने की कोई मुझे लगता है ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मैं पहले रेडी भी नहीं होती थी कि बिकनी पहनना है मुझे। सो मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। जिनको रोमांस करना नहीं आता उनको तो हमारी फिल्में देख के सीखना चाहिए ना कि हाँ वाओ ऐसा करना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे इम्प्रेस करना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे इम्प्रेस करना चाहिए, अपनी अदाओं को लोगों के सामने दिखाना और वो सिडक्टिव वे में दिखाना, रोमांटिक वे में दिखाना, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। प्रियतमा को मिलने के लिए तड़प रही है तो उस तड़पन में वो अंदर से टूट गई है, फिर वो इंतजार कर रही है, फिर नहीं आया, फिर ऐसे कर रही है, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो आईज के आपको देखने को मिलते हैं कथक डांस में। मैंने हर तरह का कैरेक्टर जिया है वेब सीरीज के थ्रू। जो ऑडियंस हमें एक्टर नहीं बोलना मतलब दर्जा नहीं देना चाहती, मैं उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहती हूँ। हम तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, बिंदास रहेंगे और बिंदास वेब सीरीज पे वेब सीरीज बनाएंगे। उस साल पहले पंजाब के पटियाला से एक लड़की मुंबई पहुंची। उस लड़की की आंखें एक्टिंग की दुनिया में छा जाने का सपना देख रही थी। अभी आप जिनको सुन रहे थे, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूं। उनका नाम है शरनायाजीत कौर। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं और नारी की स्पेशल सीरीज कैंप्स। मुंबई में कई साल मॉडलिंग करने के बाद शरनाया ने एरोटिक वेब सीरीज में काम करना शुरू किया। सनाया की कई वेब सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुकी है। सनाया का अब तक का फिल्मी सफर कैसा रहा और आगे उनके क्या प्लान है सुनिए। सनाया बहुत बहुत स्वागत है आपका दी ललन टॉप ऑर्डिनरी पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक ट्रेंड होता है फिल्म इंडस्ट्री में कि कई एक्टर या एक्ट्रेसेस के नाम के अलावा भी उनके नाम कुछ पढ़ते हैं उनकी खासियतों की वजह से, जैसे किंग खान, दबंग खान, शहंशाह। वैसे ही आपका एक नाम है जिससे आप बहुत फेमस हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है, तो ये नाम किस वजह से पड़ा और इसके पीछे की कहानी क्या? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि आपने इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। सो द थिंग इज कि एक्सप्रेशंस क्वीन मुझे भी नहीं पता। जब मेरा फर्स्ट वेब सीरीज आया था तो लोगों ने लिखना शुरू किया एक्सप्रेशन क्वीन। ऐसा जो नॉर्मल मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो मेरे साथ काम करते हैं वो मुझे हमेशा ये बोलते थे पहले कि यू हैव अ वेरी एक्सप्रेसिव आईज, यू हैव अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस, ऐसा करके बोलते थे। लेकिन ये मैं ऐसा, हम कैसे दोस्तों के साथ लाइटली लेते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे दोस्त हैं, बोल दिया इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन ये मुझे तब सच लगा जब ऑडियंस ने सेम मेरी वेब सीरीज देखने के बाद मुझे देखा या फिर उन्होंने मेरे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं वो पहचाना या फिर अपना उनको कनेक्शंस कहीं ना कहीं फील हुआ। तो तब जाके उन्होंने मुझे जब कमेंट करना शुरू किया एक्सप्रेशन क्वीन, तब मुझे समझ में आया कि हो सकता है मेरा फेस एक्सप्रेसिव हो। और इसके पीछे एक और राज है कि मैं डांस बचपन से करती हूँ। क्लासिकल मैंने बहुत देर बाद शुरू किया था और क्लासिकल डांस में सबसे पहले आपको फेस वर्क सिखाया जाता है, एक्सप्रेशन सिखाए जाते हैं। सो मे बी हो सकता है वहां से ये थोड़ा बहुत आया हो। तो यही बोलना चाहूंगी कि क्लासिकल डांस की वजह से मेरे फेस के जो एक्सप्रेशन है, आईस एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छे से मैं वो कर पाती हूँ। जैसे मैंने देखा भी है जो कथक करते हैं तो उनके फेस पे कई कहानियां बता सकते हैं फेस से अपने। तो कुछ ऐसा ही कुछ आप अगर एक्सप्रेशन हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा एक क्रिएट करके दिखाएं अपने फेस पर। जैसे लाइक आईज का एक्सप्रेशन है, अभी नॉर्मल हम देखेंगे तो ऐसा मतलब ऐसा देख सकते हैं ऐसा, अब क्लासिकल में ऐसा नहीं देख सकते, लाइक शर्माना या फिर ऐसे देखना लाइक दिस एंड दिस, ऐसे मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो आईज के आपको देखने को मिलते हैं कथक डांस में। अगर डांस में ये कथक डांस में थीम्स भी होती हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई अपनी
चीज दर्शाना चाहता है, जैसे मान लीजिए वो बहुत परेशान है, रोना चाहता है या किसी चीज से या किसी हालातों से परेशान है, तो वो अगर एक डांस के फॉर्म में एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन से अगर उसको एक्सप्रेस किया जाए तो कैसे करेंगे? हाँ, रोने के क्लासिकल डांस में ना बहुत एक्सप्रेशंस है, बहुत ज्यादा मतलब कि मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि किसी एक उसमें हो सकती, जैसे हम डांस कर रहे हैं तो लाइक रोना, दिस इज सैड फेस, सो रोने को हम ऐसे ही दर्शाते हैं कि जैसे कोई गर्ल है और वो अपने प्रियतमा का या लवर का इंतजार कर रही है, वो नहीं आया है, बादल गरज रहे हैं, सावन चल रहा है, बारिश जोरदार हो रही है, बिजली तड़क रही है और वो अपने प्रियतमा को मिलने के लिए तड़प रही है, तो उस तड़पन में वो अंदर से टूट गई है, फिर वो इंतजार कर रही है, फिर नहीं आया, फिर ऐसे कर रही है, मतलब ये सारे एक्सप्रेशन जब वहां से आते हैं, सो ये मैं खड़ी रहती तो शायद ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती, क्योंकि मैं बैठी हूँ सोफे पे तो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, स्टिल शायद थोड़ा आपको पसंद आया हो जो भी मैंने किया है। जी बिल्कुल, पसंद तो मुझे आया, लेकिन ये समझने के लिए भी बहुत टाइम लगता है कि ये सब चीजें एक जगह पे खड़े होके सिर्फ चेहरे से कैसे आप दर्शा सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हमारा ये है कि पटियाला से मुंबई तक पहुंचने की आपकी जर्नी कैसी रही? हाँ, सो पटियाला से मुंबई की जर्नी बहुत टफ रही है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल माँ बाप कोई भी नॉर्थ इंडियंस तो खास करके कि अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आपसे अपने से दूर दूर बहुत रेयर भेजते हैं, बिकॉज एक कंफर्ट लाइफ देते हैं वो आपको। सो जब मैं पटियाला से मुंबई आने के लिए रेडी हुई या मेरा माइंड मेकअप हुआ, तो मेरी फैमिली को बिल्कुल भी इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है। दे थिंक लाइक हाँ ये पढ़ रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करेगी, उसके बाद PhD करेगी, उसके बाद जॉब करेगी, इतना ही। लेकिन मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, क्योंकि मुझे मुंबई आना था और मुझे फटाफट एजुकेशन कम्प्लीट करना था, तो मैंने ग्रेजुएशन जो है इकोनॉमिक्स में किया है, लेकिन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है परफॉर्मिंग आर्ट में है। सो परफॉर्मिंग आर्ट में ऐसा है कि परफॉर्मिंग आर्ट एक डांस, परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे डांस, एक्टिंग, म्यूजिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो एक्टिंग मैं आगे जाके मुझे काम आनी थी, तो मैंने वही जो सब्जेक्ट है चूज किया पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो द थिंग इज कि मेरी फैमिली ने मुझे पूछा नहीं, और उनको था कि कुछ अच्छा ही करेगी, क्योंकि मैं हमेशा टॉपर रही हूँ या मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि हाँ कि तुम क्या कर रही हो, उन्होंने हमेशा बोला कि वो हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते थे हमेशा से, तो उन्होंने सोचा कि नहीं जो भी है अच्छा ही करेगी। लेकिन मैंने परफॉर्मिंग आर्ट चूज किया, और मैंने 3 से 4 महीने बिल्कुल फैमिली को बताया नहीं कि मैं क्लासिकल डांस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, या फिर मतलब ऐसा कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। मैंने सोचा धीरे 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 करके बता दूंगी, और तब तक क्या हो जाएगा कि थोड़ा आगे तक पहुंच जाएगा तो माँ बाप पीछे तो खींचेंगे नहीं, कहेंगे चलो अभी कर ही लिया तो कर ही लो। तो मैंने ना वो चीजें बहुत स्लोली अपने माइंड में, अपने माइंड को सेट करके और अपने पेरेंट्स के माइंड में सेट किया कि धीरे धीरे उनको मेरे पे ट्रस्ट हो कि नहीं ये कर सकती है, कुछ अलग कर सकती है। अदरवाइज पेरेंट्स आपको क्या है रेडी नहीं होते आपके लिए कुछ अलग करने के लिए, कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर्स ही बनते हैं, ऐसा एक रूल देखा है मैंने। तो मेरे घर में ज्यादातर लॉयर्स हैं या टीचर्स हैं, तो मुझे था कि टीचर्स ही बनना है, पेरेंट्स को था टीचर ही बनेंगे, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था टीचर बनने का, बट मैंने स्टिल पेरेंट्स के खिलाफ कभी नहीं गई, मैंने पेरेंट्स की बात सुनी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 3 इयर्स मैंने एक रेपुटेटेड कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब किया, उसके बाद मैंने पैसे इकट्ठे किए, चोरी छुपे में मॉडलिंग भी करती थी, एक्टिंग भी करती थी, थिएटर भी करती थी, तो वो सारी चीजें कर करके मैंने एक अमाउंट इकट्ठा किया, उसके बाद मैं मुंबई के लिए आई ऐसा। सो मुंबई जब आना था तब भी मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि मुझे मुंबई जाना है, तो मम्मी पापा ऐसा कि ठीक है जाना है तो, बट इट्स अ बिग सिटी तो तुम रह पाओगी क्या? मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने इतना रह ही लूंगी नहीं तो 3 मंथ्स में वापिस आ जाऊंगी। तो मैंने एक कॉलेज में लीव दिया कि मेरे को हॉलीडेज, मतलब मैंने एक झूठ बोल दिया था कि मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा करके, और मुझे छुट्टियां चाहिए, तो मैंने 3 मंथ्स का लीव लिया और मैं मुंबई आ गई। तो मैं आई 3 मंथ्स के लिए थी, लेकिन यहाँ पे आते ही फिर मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, तो फिर मैंने एक अपना नया जर्नी स्टार्ट किया, फिर मैंने कहीं पे भी जाना कैंसिल करके मुंबई में अपना घर बना लिया कि यही मेरा घर है, मुझे यही रहना है ऐसा। सुना, जो 3 महीने आपने लीव ली कुछ भी बहाना बनाकर या कुछ करके, तो उन 3 महीनों में आप जब मुंबई पहुंची तो आपको उन 3 महीनों में काम मिलने लगा? क्योंकि मैंने आपके कई को एक्टर हैं जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मुंबई आने के बाद जो शुरुआती दिन होते हैं
किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो बहुत ही टफ होते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, चप्पलें घिस जाती हैं ऑडिशन देते देते, कोई रिप्लाई नहीं आता है, कई लोगों ने मुझसे। तो क्या आप इस मामले में आप खुद को लकी मानती हैं कि आपको 3 महीने के अंदर ही काम मिल गया या मिलने लगा? हाँ, क्यों, मैं बताती हूँ कि जब मैं पंजाब में थी तो मैं साथ में फिल्में भी कर रही थी, पंजाबी प्रोजेक्ट्स एज अ कोरियोग्राफर, एज अ आर्टिस्ट, एंड और मेरा मुंबई में जो आने का तैयारी था वो पहले से ही स्टार्ट था, तो मेरा जर्नी मुंबई से स्टार्ट नहीं हुआ, मुंबई में रहने का जर्नी मैंने पटियाला से ही स्टार्ट कर लिया था हर चीज को लेके। सो जब मैं यहाँ आई तो एक तो मेरे माइंड में पहले से था कि मैं कुछ भी करूंगी, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप सारी चीजें छोड़ के आप मुंबई आते हो। मैंने सोचा कि मैं अपने आपको सिर्फ 3 मंथ्स ही दूंगी, 3 मंथ्स में अगर कुछ नहीं मिला तो मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा जॉब है और मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगी। सो मैं यहाँ आई, मैं 3-4 मतलब 4-5 डेज में मैंने कम से कम एक दिन में 6-7 ऑडिशन दिए, और मैंने यहाँ आने के बाद ना दूसरे दिन मैं किसी एक आर्टिस्ट को मिली थी जो बहुत जैसे क्राइम पेट्रोल हो गए, सीरियल्स हो गए, वो बहुत सीरियल्स वीरियल्स करते थे ऐसे, तो मैं उनको मिली ऐसे वाया किसी के थ्रू। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 100 ऑडिशन से पहले एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको कुछ काम मिले, जब 100 कंप्लीट हो जाए तब सोचना कि तुमको काम मिलना चाहिए अभी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि अगर हम मेंटली फ्री हो जाते हैं किसी चीज को लेके तो कहीं ना चीजें खुद कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं मेंटली फ्री हो गई, मैंने सोचा कि 100 ऑडिशन देने हैं, चाहे एक दिन में 4 दो, एक दिन में 5 दो, या एक दिन में 6 दो। मुझे 6 कंप्लीट मैंने लिखे हुए थे, नोट डाउन करे थे कि मुझे 6 करने हैं हर दिन और 100 फटाफट कंप्लीट करने, क्योंकि उसके बाद ही मुझे काम मिलेगा। बट क्या हुआ मेरी जिंदगी में कि मुझे ना तीसरे चौथे दिन ना एक फिल्म मिल गई हिंदी, मैंने ऑडिशन दिया, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, बिकॉज मैं थिएटर आर्टिस्ट थी तो मैं डायलॉग्स बड़ी जल्दी याद कर लेती थी, क्लासिकल डांस किया था तो फेस एक्सप्रेसिव था, और उनको कैरेक्टर जैसा चाहिए था, मैं वैसी थी, स्लिम ट्रिम था पहले से ही ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं एज अ लीड इसको कास्ट कर लेते। तो मैंने एक हिंदी मूवी स्टार्ट किया था जो लॉन्च नहीं हुई, बाद में बहुत सारे चीजें हुई, लेट इट बी, उसको जाने देते हैं। तो मैंने वो मूवी का ऑडिशन दिया, फिर उन्होंने वर्कशॉप किया, फिर हमारी मूवी अमृतसर में हम लोगों ने शूट किया, सारी चीजें हुई, तो आई वॉज लाइक हैप्पी कि नहीं मेरा करियर तो अभी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि शायद मेरा मुंबई में रहना लिखा था तो भगवान ने ये सोचा था अगर 3 महीने का इसको स्ट्रगल देंगे तो वैसे ही भाग जाने वाली है, तो क्यों ना इसको पहले पहले स्ट्रगल नहीं देते, इसको बीच में स्ट्रगल देंगे। तो मेरे पहले वाले 3 मंथ्स तो बहुत अच्छे गए, 3 मंथ्स के बाद जो मेरा एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था कि मैं ऑडिशन देने जाती थी, सिलेक्शन नहीं होता था, लोग मतलब बोलते थे कि बताएंगे, वो उसके बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। 3 मंथ्स मैंने काम किया, मैंने पैसे कमाए अच्छे से, और मेरा जो सर्वाइवल था मैंने स्टार्ट कर लिया था, और मेरे यहाँ पे बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं कुछ ना कुछ सीखती थी या वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहते थे। सो उसकी वजह से मैं 3 महीने तो मैंने निकाल दिए, 3 महीने भी नहीं, 1 साल पूरा ही निकाल दिया। 1 साल के बाद फिर मेरा स्टार्ट हुआ, 1 साल के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो 3 महीने के लिए ही यहीं आई थी तो 3 महीने तो बहुत पहले ही निकल गए हैं, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब आ गए हैं तो जाना तो नहीं है, कुछ भी हो जाए। आपने, मैंने अभी तक बहुत इंटरव्यूज किए हैं आपके कई को एक्टर्स के, एक नई चीज मुझे पता चली है कि 100 इंटरव्यू दो तब जाके कॉल आती, क्या ये साइलेंट रूल है किसी स्ट्रगलर के लिए मुंबई में? एक्चुअली ये रूल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये हमें अपने रूल्स में ऐड ऑन करना चाहिए, बिकॉज जब हम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये साइलेंट सा रूल है कि मतलब हाँ भाई ये मान के साइलेंट रूल है, और ये साइलेंट रूल को हर आर्टिस्ट को अपने लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए जब वो मुंबई आता है, क्योंकि जब हम मुंबई आते हैं हम एक बड़ी सिटी में, क्योंकि हमने फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ स्क्रीन पे देखा होता है कि वाओ क्या कपड़े हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या लग्जरी लाइफ है, उसके पीछे का स्ट्रगल किसी को ना पता होता है ना कोई दिखाया जाता है, और जब दिखाया भी जाता है तो बहुत टाइम आगे निकल चुके, तो हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती, सबकी जर्नी अलग होती है। बट जो ये स्ट्रगल टाइम है ये मुंबई हर आर्टिस्ट को देती है, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, वो देती है। तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है, या फिर आने वाले एक्टर लोग हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मुंबई आना है तो आप अपना माइंड मेकअप करके आइए पहले से ही कि आपको 100 ऑडिशन देना है, उसके बाद ही एक्सपेक्ट कीजिए। कितने साल हो गए हैं आपको मुंबई में? मुझे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, अप्रैल में मैं आई थी, मेरे को आज भी डेट याद है, 9 अप्रैल को मैं आई थी, और 9 अप्रैल से अभी 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2015 में मैं आई थी, 2015 में।
2015 में आप आई थी, तो अभी 2023 चल रहा है, आप अभी तक के अपने करियर से खुश हैं कि आप जो चाह रही थी इतने साल में जो आपको मिले वो आपको मिला? मैं हमेशा से एक चीज चाहती थी, जब मैं छोटी थी ना तो मैं परफॉर्मेंस करती थी ऑन स्टेज, या डांस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटीज, मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ तो स्पोर्ट्स करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जो मेरे बाहर खड़े हैं ना लोग वो मुझे मतलब प्यार करना चाहिए, मतलब जो मैं कर रही हूँ वो उनको खुशी देना चाहिए किसी भी तरह की एक्टिविटी हो। तो जब मैंने एक्टर बनने का डिसीजन किया था ना, तब मैंने एक स्टेज तय नहीं किया था, मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करना और मेरा काम है उनको खुशी देना, एंटरटेनमेंट देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियली आई एम सेटिस्फाइड विद माय करियर और मैं चाहती हूँ मैं और कुछ अच्छा करूँ और आगे बढ़ूँ, बट मुझे कोई भी ऐसा, मुझे कोई भी किसी चीज का गिल्ट नहीं है कि मैं ये करना चाहती ये नहीं कर, क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, स्टिल मैं एक्टिंग कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है मैं एक्टर हूँ, तो मुझे एक्टिंग ही मैटर करती है कि मैं ऑन स्टेज एक्टिंग करूँ या मैं टीवी पे एक्टिंग करूँ या मैं वेब में एक्टिंग करूँ या फिर मैं फिल्मों में एक्टिंग करूँ। मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट है, मेरी ऑडियंस मुझे अच्छे मैसेजेस करती है, मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करती है, मुझे लगता है कि इतना सेटिस्फेक्शन काफी है, मुझे ऐसा लगता है। शनाया, आप बोल्ड फिल्में करना मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है हमारे यहाँ, ये इरोटिक फिल्में करना, तो इसमें जाने का डिसीजन मतलब ये भी हो सकता है कि आप बॉलीवुड में भी काम कर सकती थी या सीरियल्स में काम कर सकती थी, लेकिन ये अलग जॉनर में जाने की जाने का क्या आपने सोच के डिसीजन लिया? मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, मैं पहले तो कैटेगराइज नहीं करती हूँ कि ये बोल्ड है ये इरोटिका है या फिर ये ए ग्रेड है ये बी ग्रेड सी ग्रेड, मेरे लिए मैंने कभी कैटेगरी नहीं बनाई है किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके, क्योंकि वेब सीरीज बहुत पहले नहीं बनती थी हमारे इंडिया में, यहाँ बननी शुरू हुई है अभी। मैंने जब मेरा पहला वेब सीरीज किया था 2019 में, मे बी कॉल सेंटर था वो, सो द थिंग इज की वेब सीरीज बहुत बाद में आई, लेकिन हम हॉलीवुड बहुत पहले से देखते आए हैं, फिल्में या वेब सीरीज बहुत पहले से फॉरन में वेब सीरीज बनती थी। So, मैं जिसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ वो है शैरन स्टोन, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। सो द थिंग इज कि जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी, इट वॉज वेरी बोल्ड, और वो मूवी में जो वो उसने एक्टिंग किया है बिंदास, मुझे लगता है एक एक्टर को जो भी एक्ट करना है, चाहे वो रोने का हो, चाहे वो अपने अपनी अदा को लोगों के सामने दिखाना हो, या फिर कुछ भी तरह का एक्ट करना है, उसको रोमांटिक हो या फिर कॉमेडी हो, उसको ऐसा करना चाहिए कि वो रियल लगे, मुझे ऐसा लगता है। सो द थिंग इज कि मैं चाहती थी कि कॉमेडी तो हम हमेशा ही करेंगे, नॉर्मल एक्टिंग हम हमेशा ही करेंगे, रोने वाला हमें एक्ट मिल ही जाएगा, लेकिन अपनी अदाओं को लोगों के सामने दिखाना और वो सेडक्टिव वे में दिखाना, रोमांटिक वे में दिखाना, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और जब मैंने शैरन स्टोन को देखा था एक्ट करते हुए, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे एक दिन ऐसा तो करना है, ये वाला एक्ट तो। सो मेरा पहला ही शायद टारगेट हो सकता है मेरा बहुत बड़ा हो कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है या फिर बहुत रिस्क वाली चीज है, ऐसा हो सकता है नॉर्मल लोगों के लिए, बट मेरे लिए नहीं। सो मैंने जब कॉल सेंटर पहला किया था, इट वॉज वेरी स्मॉल कैरेक्टर इन दैट वेब सीरीज, बहुत छोटा था, पर मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं क्या क्या आउटपुट निकलता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी बिकनी नहीं पहनी थी और आई वॉज नॉट रेडी, मैं पहले रेडी भी नहीं होती थी कि बिकनी पहनना है मुझे। सो मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। सो जब मैंने किया, मेरा वो सीन हुआ, आफ्टर दैट मेरे डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हुए, इम्प्रेस हुए, कहते क्या एक्टिंग किया, क्या मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ किया, तो मुझे लगा कि मैंने रोने वाला किया, मैंने हंसने वाला किया, मैंने कॉमेडी किया, ये भी किया, तो लोगों ने सब में कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ, तो ठीक है। इसके बाद दूसरी वेब सीरीज तुरंत मिल गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है दूसरी बार भी करके देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने बाकी सारी चीजें करी तो ऑडियंस उतनी कनेक्ट नहीं हो पाई जितनी मेरे बोल्ड अंदाज से कनेक्ट हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मेरा वो क्या कहते हैं कि आपका स्टाइल होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा ये स्टाइल लोगों को ज्यादा
पसंद आ रहा हो। और हर एक्टर की एक अपनी एक क्वालिटी होती है, स्टाइल होती है जो ऑडियंस को कनेक्ट करती है। जैसे गोविंदा जी का नाम लूंगी मैं, वो डांस से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे, है ना, तो वो अलग अलग वैजयंती माला डांस से कनेक्ट कर पाती थी। और या जीनत अमान जी, वो अपनी अपने बोल्ड अंदाज से अट्रैक्ट करती थी। तो ये सारे ना अलग अलग स्टाइल जो है भगवान ने हर किसी को दिए हैं, उनको अपने स्टाइल पहचानना चाहिए और मुझे लगता है उसी में ही काम करना चाहिए आगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता शनाया कि अगर आप एक ही तरह के रोल्स करती रहेंगी तो फिर ये तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं चाहेगा कि वो एक ही टाइप रोल में बन जाए, अलग अलग रोल्स मिलने चाहिए उन्हें? तो इसका मैं आंसर करना चाहूंगी कि अगर आप मेरी सारी वेब सीरीज उठा के देखेंगे ना, तो मैंने सब वेब सीरीज में जो मेरा कैरेक्टर होता है उसमें मैंने सब में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लुक को लेके, स्टाइल को लेके। और ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोल्ड कपड़े पहने हैं या फिर वो होते हैं कि साड़ी पहनी तो मैंने साड़ी ही पहनी है, या मैंने बोल्ड पहने तो बोल्ड ही कपड़े पहने, ऐसा नहीं। मैंने हर तरह का कैरेक्टर जिया है वेब सीरीज के थ्रू। और अगर आप मेरी उल्लू की अभी वेब सीरीज देखेंगे जरूरत, वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, बिल्कुल सिंपल, उसमें मेकअप नहीं है, साड़ी है, बिकॉज वो एक काम वाली बाई का कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिंग भी जो मैं ऑडियंस को एज अ एक पुअर लेडी कामवली बाई है वो कनेक्ट कर पाई, क्योंकि वो कामवली बाई जो है वो बहुत सिंपल है, वो अपने क्लीवेज भी नहीं दिखाती कि हाँ पल्ला ऐसा किया और दिखा रही है, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ढक के रहती है, बिल्कुल ऐसा। तो वो जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, वो मैंने अपनी सारी वेब सीरीज में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, मुझे काम ऑफर होंगे कोई किसी भी तरह के, सेम तरह के, लेकिन मैं उन सेम चीजों में भी क्वालिटी कैसे दे सकती हूँ, डिफरेंशिएट कैसे कर सकती हूँ खुद को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? तो मैंने वो सारी चीजें की हैं। अगर आप मेरी सारी एक से एक, एक के बाद एक वेब सीरीज देखेंगे तो आपको हर गेटअप अलग मिलेगा, आपको हर कैरेक्टर मिलेगा, आपको सिंपलिसिटी भी मिलेगी, आपको एग्रेशन भी मिलेगा, आपको एक रोमांटिक शरण्या भी देखने को मिलेगी, आपको एक रोती हुई शरण्या भी नजर में आएगी। मतलब ऐसा मैंने अलग अलग कैरेक्टर को जिया है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जर्नी है एज एन एक्टर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूं, सोचने का काम ऑडियंस, देखने का काम मैंने ऑडियंस का दे दिया है, और सोचने का काम मैं करती नहीं हूँ, सोचने का काम डायरेक्टर को दे दिया है कि डायरेक्टर मेरे लिए सोचे कि हाँ ये इसमें परफेक्ट है, हम इससे ये काम करवाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर्स को सोचना चाहिए, मेरा काम एक्टिंग करना है, मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहती हूँ, दैट्स इट। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि 18 प्लस जो मूवीज हैं या बहुत सालों से बनी है, काफी साल, बिल्कुल अभी हाल के कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में ये इसका स्पेस बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसे लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, इंतजार करते हैं वेब सीरीज का, लेकिन एक खास तबका है या एक कुछ खास लोग हैं जो अभी भी एरोटिक जॉनर के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक्टर का दर्जा नहीं देते, उनको क्या कहना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जो इंडियंस लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलना चाहूंगी, वो मैंने बचपन में एक चीज सीखी थी कि आप कुछ भी करते हो सामने वाला आपको आपके दिमाग, अपने दिमाग के हिसाब से जज करेगा, जितनी उसको नॉलेज है, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इरोटिका के बारे में, इरोटिका या फिर एज एन एक्टर हमें प्लेस नहीं देते हैं, ये उनकी सोचने की क्षमता या शक्ति है। और मैं इस चीज में ये नहीं बोलूंगी कि मैं उनको फोर्सफुली बोलूं कि हमें एक्टर बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको, उन ऑडियंस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनका सोच अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो मेंटली उतने अभी क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ज्यादा तरक्की करना, और मेंटली तरक्की नहीं करी है, और वो बहुत जल्दी कर लेंगे, बिकॉज हमारे इंडिया में और अभी इंडस्ट्री में बहुत सारी वेब सीरीज बन रही है, बड़े एक्टर्स या छोटे एक्टर्स सब वेब सीरीज में आना चाह रहे हैं, चाहे मैं कोई बड़ी स्टार का भी नाम लूंगी तो वो भी वेब सीरीज करना चाहते हैं, क्योंकि वेब सीरीज में ना वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर जी सकते हैं, क्योंकि वेब सीरीज पांच, जैसे मान लो कि 10-15 एपिसोड्स बने, खत्म होने के बाद एक दूसरा स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीजें चलती रहती है वेब सीरीज में। तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज आपको एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह और प्लेटफॉर्म है, और जो ऑडियंस हमें एक्टर नहीं बोलना दर्जा नहीं देना चाहती, मैं उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो और थोड़ा मेंटली ज्यादा तरक्की करें, दिमागी तौर से ज्यादा आगे बढ़ें, ताकि वो हमें
उस नजरिए से देख पाए जो नजरिया हम दिखाना चाहते हैं ऐसा। और बहुत सारे ऑडियंस ऐसी है जो हमें प्यार करती है बहुत ज्यादा, तो हमारा फोकस उन पे होना चाहिए जो हमें प्यार कर रही है। बाकी तो दुनिया में हर किसी को बुरा अच्छा तो बोला जाता है, हम कितने भी अच्छे हो जाएं हमें लोग अच्छा अपने नजरिए से बोलेंगे, बुरा भी अपने नजरिए से बोलेंगे। तो हम अगर 100 लोग हैं तो हम 100 के लिए सेम तो नहीं हो सकते हैं, 100 में से किस 10 के लिए अलग होंगे, 10 के लिए अलग होंगे, अगले 10 के लिए अलग होंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा और कपड़ों से बोल्ड है, ठीक है, पढ़ाई भी ज्यादा करनी शुरू कर दी है कि पहले 10th तक रहते थे, अभी PhD करने लग गए हैं, पर मुझे लगता है कि दिमागी तौर से भी पढ़ाई करनी चाहिए उनको, दिमागी तौर से भी उनको थोड़ा आगे का सोचना चाहिए। बिकॉज अभी हम लोग हॉलीवुड में देख सकते हैं कि बड़े बड़े एक्टर लोग भी जब बोल्ड सीन्स देते हैं या इरोटिका फिल्में करते हैं, तो वो फिल्में ये सोच के नहीं करते कि ये इरोटिका है वो या फिर ये नॉर्मल कैरेक्टर है, वो अपने करेक्टर को देखते हैं कि हमारा करेक्टर कितना स्ट्रांग है और हम कितनी अच्छी तरीके से इसको जी सकते हैं और ऑडियंस के दिल में कितने अच्छे से अपनी जगह बना सकते हैं, राइट। तो मेरा काम है ऑडियंस के दिल में जगह बनाना और मैं उन ऑडियंस को बोलूंगी कि वो हमें एक्टर समझे या नहीं समझे, उनका खुद का नजरिया है, हम तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, बिंदास रहेंगे और बिंदास वेब सीरीज पे वेब सीरीज बनाएंगे। सवाल यहाँ पर ये भी है शनाया कि लोगों को अभी जिस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं, अगर मैं उनको पढ़ता हूँ तो एक चीज समझ में आती है कि उनको अभी पॉर और एरोटिका का डिफरेंस नहीं मान। इसके पीछे शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी 1.5-2 साल पहले तक कई प्लेटफॉर्म्स पर एरोटिका के नाम पर पॉर्न मूवीज भी बनी है। जी, तो वो इतनी ज्यादा बनी जो अभी तक अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो उनको कई लोगों का ये इसी वजह से मानना ये है कि एरोटिका पॉर्न में डिफरेंस नहीं कर पाते इसी वजह से, तो क्या अभी एक वजह है? क्या आपको कभी इस तरह की फिल्म ऑफर हुई? मुझे पॉर्न के लिए तो कभी नहीं ऑफर हुआ क्योंकि मेरा प्रोफाइल जो है बहुत हमेशा से आर्टिस्टिक प्रोफाइल रहा है। मैंने पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे थिएटर किया है या डांस, क्लासिकल डांस किया है, या फिर मैं पहले रेडियो पे भी काम किया है मैंने एक थोड़ा टाइम। तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग रहा है इस मामले में कि मुझे एज एन एक्टर ही अच्छे परफॉर्मेंसेस के लिए ही मूवीज ऑफर हुई हैं या फिर वेब सीरीज ऑफर हुई हैं। अदरवाइज मुझे डांस से रिलेटेड आप मेरी वेब सीरीज देखेंगे तो उसमें हमेशा कोई ना कोई डायरेक्टर, हमारे जो डायरेक्टर है कोई ना कोई डांस का सीक्वेंस डाल ही देते हैं। तो वो मुझे हमेशा वैसे ही, मतलब जो मेरा प्रोफाइल है मुझे वैसा ही कुछ ऑफर हुआ है, तो मुझे कभी भी ऐसे नेगेटिव चीजों की ऑफर नहीं हुई है। और जो पॉर्न इंडस्ट्री है, मैं किसी भी इंडस्ट्री को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि जो पॉर्न बनाते हैं उनका अपना नजरिया है, वो क्या बना रहे हैं क्या नहीं, मेरी समझ से परे है वो सब चीजें, क्योंकि मैं देखती भी नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या बनाते हैं। और जो हम करते हैं, हम इरोटिका जो है एक्ट करना होता है कि आप अगर सेक्स दिखा रहे हो तो सेक्स सीन में सेक्स नहीं होता है, मुझे जो डिफरेंशिएट मैं कर पाती हूँ। जो पॉर्न है उसमें आप सेक्स देख रहे हो तो वो मुझे लगता है कि सेक्स हो ही रहा होता है, राइट, इतना सा ही अंतर है। तो पॉर्न इंडस्ट्री जो भी चीजें दिखाती है वो रियल में होते हुए दिखाती है, और जो हम लोग दिखाते हैं वो टोटली एक्टिंग से रिलेटेड होता है, वो रियल में उसमें कुछ नहीं होता है। अगर हमें सेक्स सीन देना होता है तो वो पूरी तरह से एक्टिंग होता है, एक्सप्रेशंस होता है, दैट्स इट। इसके परे जाकर सोचने की कोई, मुझे लगता है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि उसमें ऐसा नहीं वैसा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि क्या ये रियल में सेक्स होता है क्या ऐसा। तो जब जो चीज दिख ही नहीं रही है तो वो रियल में क्यों करेंगे, मतलब अगर हमारा लोअर बॉडी पे दिख ही नहीं रहा है, कैमरा ही नहीं है, तो हम नीचे वाली बॉडी को इतना एफर्ट्स क्यों देंगे कि वो सेक्स करे। सीधी सी बात है ना कि हम इंटरकोर्स क्यों करें या हम वो सेक्स एक्टिविटीज करें ही क्यों जब वो दिख ही नहीं रहा है कैमरा पे। सीधी सी बात है। तो वो जो पॉर्न है वो अगर पूरा दिखाते हैं पॉर्न तो दैट मीन्स वो हो रहा है, जो चीज दिख नहीं रही है मतलब वो नहीं हो रही है। तो जो कैमरा कैप्चर कर रहा है सिर्फ उतना ही एक्टिविटीज है। That's it. इसके पहले कई एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि जो बहुत ही निहल बडोलिया होगी या माही कौर, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल बकायदा एक्सप्लोर किया कि बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं, बहुत कैमरे एंगल्स होते हैं, इस तरह से शूट किया जाता है कि वो रियल लगता है। और उनका तो, कई एक्ट्रेस का तो ये कहना था कि अगर वो रियल लगता है तो ये हमारे लिए अच्छा है।
हमारा टैलेंट है ना वो कि हम उसको रियल बना रहे हैं, रियल बना रहे हैं एक्टिंग से, एक्सप्रेशन से। तो लोगों को बस यही फर्क नहीं समझ में आता है फिलहाल। लेकिन अभी भी अपने इंडिया में, अपने सोसाइटी में एरोटिका जोनर की मूवीज करना बोल्ड स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप माना है। तो इसके लिए मैंने कई लोगों से जो बात की है, फैमिली को कन्विंस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों। क्या आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी? मेरी जो फैमिली है ना, थोड़ी हमेशा से ब्रॉड माइंडेड रही है शुरू से ही। सो मेरी फैमिली, मेरे पापा ने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, तो उन्होंने ना हर जगह को देखा है, हर तरह के लोगों को देखा है कि कौन कैसे रहता है, कौन क्या कर रहा है। तो मेरे पापा मम्मा ने एक ही चीज मुझे सिखाई है कि अपनी लाइफ में जो डिसीजन तुमको सही लगता है वो लो, हो सकता है तुमसे गलत डिसीजन भी लिया जाए, लेकिन उसको सुधारने की हिम्मत भी रखो उतना। और रही बात बोल्ड की, तो हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं। हम कपड़ों से मॉडर्न नहीं होते हैं, हम थॉट से मॉडर्न होते हैं। और बोल्ड एक्ट करना मुझे लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि वो एक एक्ट है। आपने अगर नवरस का नाम सुना होगा, नौ रस जिसे बोला जाता है, नौ रस में सबसे पहले श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस का जो डेफिनेशंस है, या फिर जो उसका बोलूंगी मैं उसके बारे में, श्रृंगार रस जो है वो रोमांस को दर्शाता है, राइट? रोमांस सिर्फ किस तक तो सीमित नहीं रह सकता। रोमांस आज के टाइम में अगर हम किस तक, जैसे पुराने टाइम में फिल्में बनती थी तो क्या होता था, दो फूलों को ऐसा कर देते थे, दो फूल ऐसे आ जाते थे, मतलब हीरो हीरोइन ऐसे नजदीक आए, उसके बाद दो फूल आ जाते थे, तो हम सोच लेते थे कि हाँ पीछे कुछ हुआ, हमारे माइंड में ऐसा होता था कुछ हुआ। उसके बाद हमारा जो टाइम है आगे बढ़ता गया, हम आगे और आगे तरक्की करते गए, हमारी सोच बदलती गई। फिर हमारे इंडस्ट्री में इमरान हाशमी जी आए, उन्होंने एक नया नजरिया लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने ऐसी फिल्में, मतलब जो लोगों को दिखाई, जो बहुत ही प्यारी खूबसूरती से सीन्स को उन्होंने एक्ट किया, या जो सीन बनाते थे, क्या खूबसूरत सीन बनाते थे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं पे वल्गैरिटी नहीं लगती। जो हम दिखा रहे हैं वो हम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट? बिल्कुल। अगर हम कहेंगे कि पहले 10 पैसे वाली जिंदगी होती थी, या फिर 1 रुपए वाली जिंदगी आई, फिर 100 रुपए वाली आई, 1000 रुपए वाली आई, आज 1000 रुपीज वाली लाइफ है, राइट? सॉरी, 1 लाख रुपए वाली, की 1 लाख रुपए भी कुछ नहीं है, है ना? तो हमने हर चीज में तरक्की करी है, हर चीज में की। हमने अपने कपड़ों में भी तरक्की की। बहुत पुराने टाइम में तो सिर्फ एक साड़ी होती थी, कॉटन की जो साड़ी बोलते थे, बिल्कुल प्लेन, लोग वही पहनते थे ना। उनके पास इतने स्टाइलिश डिजाइनर ना ब्रा होती थी कि हाँ वे डिजाइनर ब्रा पहन रहे हैं अपने अपने अपर बॉडी को कवर करने के लिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता था। वो सिर्फ एक कॉटन का साड़ी पहनते थे, ढकते थे। उस टाइम में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। उस टाइम में आप दो खटिया या मंजी पंजाबी में बोलते हैं, पलंग जो बुना होता है उससे, रस्सी से बुना होता है, उसको लगाते थे, उसके ऊपर साड़ी टांग देते थे, उसी में नहा लेते थे। जबकि वहां से अगर हम क्लियर देखें तो बहुत बार विजिबिलिटी होती थी कि अंदर कोई नहा रहा है, राइट? ये सच बात है। तो कहीं ना कहीं हम वहां से एक मॉडर्न टॉयलेट तक भी गए, एक मॉडर्न वॉशरूम तक गए। तो हम अपनी लाइफ में एक सिंपल फूलों वाली जगह से अगर हम वो इतनी खूबसूरत रोमांटिक लाइफ में आए हैं, तो ये तो अच्छी चीज है ना। ये तो लोगों को, हमारे जिनको रोमांस करना नहीं आता, उनको तो हमारी फिल्में देख के सीखना चाहिए ना कि हाँ वाओ, ऐसा करना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे इम्प्रेस करना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे इम्प्रेस करना चाहिए। मैंने देखा बहुत लोगों को, जैसे मुझे बहुत सारे, जैसे बोलते हैं कि प्रपोजल आते हैं या रिलेशनशिप के लिए, तो मैंने बहुत बार लड़के ऐसे रिजेक्ट किए जिनको पता ही नहीं हाथ कैसे पकड़ना है, या लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना है पता ही नहीं है। लेकिन वेब सीरीज में हम दिखाते हैं कि हाँ ऐसे इम्प्रेस करो। तो मुझे लगता है, मैं उन ऑडियंस को ये बोलूंगी कि अपनी सोच को कपड़ों से मॉडर्न मत बनाओ, अपनी सोच को भी मॉडर्न बनाओ और सीखो कुछ, ताकि आप अपनी वाइफ से एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप बना सके अच्छे से, ताकि आपकी वाइफ भी खुश रहे, और अगर कोई सिंगल लड़का है तो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखे, ताकि आपकी एक अच्छी लाइफ चले। इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे तो मुझे 100% पता है कि इस वाले पार्ट में जहाँ पर आपने बताया है कि अपने पार्टनर्स रिलेशनशिप कैसे हैप्पी रखें, ये भी आप उन फिल्मों के जरिए बता सकते हैं, लोग सीख सकते हैं। तो कमेंट्स में लोग ये सवाल मुझसे पूछे, इससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए क्या जरूरत है, आप क्या लगता है?
मुझे ऐसा लगता है हेल्दी रिलेशनशिप में सबसे पहला जो आता है वो आपका बिहेवियर होता है, किसी दूसरे अपने पार्टनर को आप कैसे आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो और आप कितने रोमांटिक हो। अगर आप रोमांटिक हो तो मुझे लगता है आपकी लाइफ तो हेल्दी चलने वाली है, मतलब क्योंकि आप रोमांटिक रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका पार्टनर खुश रहेगा। और देखा जाए तो जो रोमांस होता है ये किसी भी पार्टनर्स को, दो अच्छे पार्टनर्स को खुश रख सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और जब आप अपने रोमांटिक लाइफ में खुश रहते हैं तो आप मेंटली हैप्पी रहते हैं और आप पैसा भी ज्यादा कमाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप फ्री रहते हैं ना, आप फ्री होते हैं, आपको पता है आपको प्यार करने वाला इंसान है, आपको काम करना है और आप फिर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। शनाया, आपकी फैन फॉलोइंग, जो आपकी फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है, आपको लोग देखना चाहते हैं, तो अगर वो आपके फैंस या हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि आप किसे देखना चाहते हैं, आप किस एक्टर या एक्ट्रेस की फैन है? अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले नाम बताया कि मैं शैरन स्टोन की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे वो कभी भी, मैं उनको देख सकती हूँ, उनकी फिल्में मैं 10 बार भी देख सकती हूँ और मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे। हॉलीवुड से थोड़ा सा पहले आ जाइए, बॉलीवुड। अच्छा, तो मेरी बहुत, हाँ जी, तो मैंने ना, मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म है अमरपाली, पुरानी फिल्म है, हाँ बहुत पुरानी फिल्म है, शायद से मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, अमरपाली। उसमें कौन है? वैजयंती माला जी हैं। वैजयंती माला जी, वैजयंती माला, अमरपाली का जो करेक्टर है, आप वो फिल्म में, सॉरी, आप वो फिल्म देखेंगे ना तो आप एक ऐसे करेक्टर को देखेंगे जो एक्चुअल में वेब सीरीज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, या फिर वो भी बोल्ड करेक्टर है, एक अमरपाली का करेक्टर है, क्योंकि वो उस टाइम में जो होती थी ना, मतलब क्या बोलते नगर वधू, गणिकाएं, गणिका बोला जाता था जिनको, या नगर वधू बोल सकते हैं। तो एक लड़की जो अमरपाली होती है उसने डिसाइड किया होता है खुद की मुझे नगर वधू बनना है, तो बड़ी 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 बात है ये। तो मुझे ना उसमें वैजयंती माला जी बहुत खूबसूरत लगी है, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या मतलब इंडियन खूबसूरत कपड़े पहने हैं, ट्यूब जैसा टॉप पहना है, स्टिल शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे नहीं लगता कहीं से वो वल्गर लगा है, बेशक वो ट्यूब था, उसमें बहुत जगह बॉडी दिख रही है, बट वो कहीं से वल्गर नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने ना अपने आप को प्रेजेंट ही बड़ा अच्छे अंदाज में किया है, बहुत खूबसूरती से किया है। तो मैं तो उनको ही पसंद करती हूँ, उस फिल्म को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उनको दिल से प्यार करती हूँ और दिल से मिलना भी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी मैं उनसे एक बार अपनी जिंदगी में जरूर मिलूं, और कहीं ना कहीं मैं उनकी फिल्में देख, मैं हमेशा पुरानी फिल्में ज्यादा देखती हूँ, तो मैं उनकी फिल्में बहुत देखी है मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट टाइम में भी फिल्में देखी है मैंने उनकी, मतलब मैं उस कदर उनकी फैन हूँ। और अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो भूमि पंडितकर या प्रियंका चोपड़ा या कियारा आडवाणी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी एक्टर एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर, ये लोग अपने कैरेक्टर को जैसे जीते हैं मजा आ जाता है, मतलब स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है वाओ, मतलब कैरेक्टर करो तो ऐसे करो नहीं तो नहीं करो। जैसे कियारा आडवाणी ने लस्ट स्टोरी में कितने अच्छे सीन्स दिए, वो वाइब्रेटर वाला सीन्स होता है, वो कहीं से भी वल्गर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना वल्गैरिटी हमारे दिमाग में होती है, हम किस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं वो हमारी आंखें और हमारा दिमाग तय करता है। और मैं तो इन सीन्स को बहुत प्यारे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, बहुत ब्यूटीफुली। ऐतराज में देख लो आप प्रियंका चोपड़ा या फिर उनकी हॉलीवुड की फिल्में जो है, बहुत अच्छे अंदाज में किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग वल्गैरिटी वाली नहीं होनी चाहिए, अगर आप बोल्ड भी एक्ट कर रहे हो तो खूबसूरत होना जरूरी है, और एक्ट्रेस खूबसूरत दिखनी जरूरी है और स्टाइलिश दिखनी जरूरी है किसी भी एक्ट में वो रहे। किसी भी, मुझे लगता है किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का सपना होता होगा जो आते हैं मुंबई कि हाँ ठीक है, जब मैं एस्टेब्लिश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मेरा सपना है कि मैं इन डायरेक्टर के साथ काम करूं या इन एक्टर के साथ काम करूं या इन एक्ट्रेस के साथ लीड रोल में आऊं। आपका क्या सपना है? मैं अभी पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं भंसाली जी की फिल्मों से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत ज्यादा, बिकॉज जिस अंदाज से वो लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं, या जो वो स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, जो उनका सेट होता है और जो उनकी एक्ट्रेस खूबसूरत होती है, जिस हिसाब से सुलझी हुई वो एक्टिंग करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ वो एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो मुझे लगता है कि मैं, मतलब
अब वो मुझे कास्ट करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जिंदगी में कभी काम करूँ तो मैं उनके साथ एक बार चाहे छोटा सा ही करेक्टर करूँ पर मैं उनके अंडर जरूर काम करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत ही प्यारी फिल्में बनाते हैं। एक मैंने जैसे मैं आपको बताया कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं या कई एक्टर या एक्ट्रेस से आप बात करिए, या मैंने जो बात करी है जिन लोगों से जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं, उनका ये कहना है कि बहुत अनसर्टेनिटी है इस लाइन में। आप हैं अभी, आपके पास काम है तो लगातार, कभी ऐसा सिचुएशन आती है और कभी हालात ये हो जाते हैं कि आपके पास महीनों काम, ये तो है तो हाँ, तो डिप्रेशन एक तनाव एक जो होता है, और एक ये भी कहा जाता है कि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए हैं तो उसको मेंटेन करने का भी एक डिप्रेशन आता है लोगों में, तो वो उस दौरान आप तो उस फील्ड की हैं, आपने अपने कई को स्टार्स को देखा होगा, तो ये डिप्रेशन क्या, ये जो सेलेब्स को या आर्टिस्ट को जो डिप्रेशन होता है क्या वो किस तरह का होता है, क्या उस दौरान उनके साथ क्या होता है, वो कैसे उभरते हैं? पर्सनली मैं डिप्रेशन में भी निकली हूँ, हर मुझे लगता है आर्टिस्ट एक्टर ही नहीं हर फील्ड के लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिप्रेशन या स्ट्रेस से निकलते हैं, और जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है जब आप इसको कॉमन मान लेंगे ना कि हाँ ये आएगा और चला जाएगा, तो इसका जैसे नेबर कैसे होता है, हम नेबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं होते हैं, तो इनको ना नेबर समझ के रख लेना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेस और डिप्रेशन है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी नॉक करेगा, क्योंकि हमारे बहुत बार हमारे नेबर्स होते हैं हमें पिन आउट करते हैं, उंगली करते हैं, लेकिन हमारे पे असर थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना। तो मैंने भी एक डिप्रेशन वाली जिंदगी जी, मैं तो 3 इयर्स पूरा डिप्रेशन में ही थी, तीन साल और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत उतराव चढ़ाए आए, पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हुई, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं डिप्रेशन से निकल रही थी, तो मैं अकेले रहना बहुत पसंद करती हूँ जब मैं डिप्रेशन में हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं खुद को एनालाइज करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि मैं किस चीज से मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, अच्छा ये चीज मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहा है, अच्छा ये चीज चल रही है, ये लिख लो, जो जो मेरे थॉट्स में आता है मैं डायरी में लिखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना हर चीज नोट डाउन करनी चाहिए, उससे क्या होगा ना आपका जो दिमाग है ना सोचना ही बंद कर देगा कि इसके बाद क्या बोलूं, इसको लिखने के लिए आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप एग्जाम्स में बैठते हो, जब आप लिखते हो तब आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, अदरवाइज आप बैठे हो आपको ऐसा पढ़ रहे होते हो क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता होता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जैसे आप लिखना बैठते हो। यहाँ पर आपकी बात से मैं, अगर आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप लिखना शुरू कर रहे हैं, दिमाग एग्जाम में तभी काम करता है जब आप पढ़ के। सही बात है। तो यहाँ पे स्ट्रेस और डिप्रेशन भी पढ़ाई से रिलेटेड हम रिलेट कर सकते हैं कि जब हम लिख रहे हैं तो हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो आपके थॉट में जो चल रहा है वो लिख दो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आप बहुत कम लिखते हो, जब आप सोचते हो तो आपका दिमाग अंधाधुंध हर जगह भागता है, यहाँ से पेरिस तक पहुंच जाएगा, पेरिस से लंदन तक आपको फ्लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जब नोट डाउन करते हो लिखते हो तब आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को बोलते हैं ना कि आप हमारा जो दिमाग है हमें ऑर्डर करता है कोई भी चीज करने के लिए, राइट? तो आप लिखते हो तो ऑर्डर ही नहीं कर पाएगा उतनी फास्ट, हमारा दिमाग भाग सकता है, हमारे दिमाग को हमें बेवकूफ बना के रखना चाहिए, तो बेवकूफ बनाने के तरीके मैंने बहुत ढूंढे हैं, जैसे मैं हॉरर फिल्में देख लेती थी रात को बैठ के अकेले, मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम हॉरर फिल्में देखते हैं तो क्या होता है कि आपका दिमाग एक अलग तरह की मतलब डर में चला जाएगा, तो इधर से तो निकल ही जाएगा कम से कम। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेस है डिप्रेशन है, मैंने सीरियसली बताऊं तो मैंने ऐसे ही निकाला है, पहले तो मैंने स्ट्रेस और डिप्रेशन को एक नेबर का नाम दे दिया कि ये नेबर है, ये कभी भी आ सकते हैं, तो हमें हमारे दरवाजे स्ट्रांग रखने हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी घर में घुस जाए, वैसा नहीं, परमिशन नहीं देनी है। दूसरा क्या है, जब भी मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है मैं फिल्में देखती हूँ, वो भी हॉरर, जिससे मुझे डर लगे, वो भी अकेले बैठ के, क्योंकि जब मैं डरूंगी ना तो मेरा दूसरा वाला इमोशंस काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मेरे अंदर डर आ जाएगा, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा यहाँ से भूत तो नहीं आ जाएगा, यहाँ से तो नहीं आ जाएगा, तो मैं भूत के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, और डिप्रेशन के बारे में जो चीज हमें प्रॉब्लम दे रही होती है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो जब आप ये कंटिन्यूसली चीजें करते हो तब आपका जो बॉडी और माइंड है ना किसी और चीज के लिए प्रैक्टिस में आ जाता है, और जो दूसरी चीजें होती है धीरे 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 कम होती चली जाती हैं, तो कम होंगी तो खत्म ही हो जाएंगी ना एक दिन, तो ऐसा है। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन ना हर फील्ड में आता है,
तो हमारा जो माइंड है इसको बेवकूफ बना के रखना बहुत जरूरी है। आप जितना इसको बेवकूफ बना के रखेंगे उतना ये आपके साथ रहेगा। और मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहती हूँ, मैं स्टोरीज अपडेट करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके गालियां भी देते हैं, आप रिप्लाई नहीं करती हूँ, रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो उनसे बोल दीजिए, आप उनसे बोल दीजिए अगर वो सुन रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ पर्सनली कि मैं इसलिए नहीं रिप्लाई करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और उस टाइम में हम कुछ क्रिएटिव कर सके। आंसर्स तो हम एक्टर हैं, हम आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ बना के दे, वही हमारा रिप्लाई है, वही हमारा आंसर है। मुझे लगता है आपको उसी से ही खुश रहना चाहिए बजाय कि आप मैसेज से खुश हो। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ जब टाइम मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया ना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुकान है, बोल सकते हैं एक मॉल है, जहां पे आप घुस जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं, आप खो जाते हो। तो मैं थोड़ा सा उन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अच्छे काम करूँ, अच्छी चीजें करूँ और अच्छी चीजें आप लोगों को दूं, ऑडियंस को दूं, मेरे फैंस को दूं, ताकि वो मुझे और ज्यादा प्यार करें। बहुत बहुत शुक्रिया शनाया हमसे बात करने के लिए। आपके आने वाली फिल्मों के लिए आपको अभी से बहुत बहुत बधाइयां।